अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में अगर क्रांतिकारियों की बात की जाए तो उसमें दुर्गावती बोहरा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस महिला को दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिला भगत सिंह की पत्नी भी बनी थी। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। आज हम तीनों क्रांतिकारियों के शहादत को याद करते हुए भाभी दुर्गावती के बारे में बता रहे हैं। दुर्गावती बोहरा को दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। उनका भगत सिंह की पत्नी बनने का किस्सा आज भी चर्चित है। दरअसल अंग्रेजों के एक मिशन को फेल करने के लिए दुर्गा भाभी ने 18 दिसंबर 1928 को भेष बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। कहा जाता है कि वह इस दौरान भगत सिंह की पत्नी बनकर उनके साथ ट्रेन में बैठकर गई थी। उनके साथ राजगुरु, चंद्रशेखर और कई क्रांतिकारी भी शामिल थे। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी दुर्गावती बोहरा। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शाहजतपुर गांव में पंडित बाके बिहारी के यहाँ हुआ था। दुर्गावती के पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। उनकी शादी महज 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने भी देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गावती ने 9 अक्टूबर 1930 को गवर्नर हेली पर गोली चला दी थी। इस दौरान वह तो बच गए, लेकिन उनका सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। इसके अलावा दुर्गा भाभी ने कमिश्नर को भी गोली मारी थी। आपको बता दें, दुर्गावती पिस्तौल चलाने में माहिर थी। अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उन्हें दुर्गा भाभी ने ही ला कर दी थी। न्यूज डेस्क।